दोस्तों आज का लेक्चर है हमारा इको साउंडर के ऊपर। इको साउंडर, इको साउंडर क्यों बोला है, वो इको साउंड करता है, मतलब इको मेजर करता है, इको मेजर करता है, इसके लिए उसको इको साउंडर बोला जाता है। इसका पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको आपके ब्रिज इक्विपमेंट के बुक में मिल जाएगा। इट इज़ अ डेप्थ मेजरिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि इसमें चार कंपोनेंट्स है। एक है रिकॉर्डर, एक होता है ऑसिलेटर, एक होता है ट्रांसमिशन एंड रिसीवर ट्रांसड्यूसर, एक होता है एम्पलीफायर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये चारों जो इनके कंपोनेंट्स है, चार जो पार्ट्स है, चार जो पिलर है, वो चारों पिलर का क्या क्या काम है और एक इको साउंडर एक्चुअली काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है ना, मेन क्या होता है, देखो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर जो ट्रांसड्यूसर है ना, यहाँ से क्या होता है, एकोस्टिक वेव्स निकल के ट्रांसमिशन ट्रांसड्यूसर से क्या होता है, एकोस्टिक वेव्स निकलते हैं। एकोस्टिक वेव निकल के वो सीबेड को टच करते हैं और सीबेड को टच करके वहाँ से वापस आते हैं एज अ इको। जो वापस आते हैं वेव्स उसको इकोस बोलते हैं। ट्रांसमिशन ट्रांसड्यूसर से एकोस्टिक वेव्स निकलते हैं, सीबेड को टच करके वापस आ जाते हैं और उसको बोलते हैं इकोस, और वो सेम इकोस रिसीवर ट्रांसड्यूसर में मेजर किए जाते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ट्रांसड्यूसर से वो निकलते हैं एज एकोस्टिक वेव्स, सीबेड को टच करके एज इकोस वापस आते हैं, और वापस आने के बाद वो रिसीवर ट्रांसड्यूसर में फिट, मतलब वहाँ पर मेजर किए जाते हैं। रिसीवर ट्रांसड्यूसर से क्या होता है, जो इकोस वापस आए हैं वो इकोस एम्पलीफायर को भेजा जाता है। एम्पलीफायर में क्या होता है, एम्पलीफायर में जो वीक इकोस है, मतलब जहाँ पर सीबेड ज़्यादा है, 100 मीटर से ज़्यादा है या 200 मीटर से ज़्यादा है, जहाँ पर वीक इकोस आने के ज़्यादा चांसेस है, जहाँ पर वीक इकोस आते हैं, उस इकोस को एम्पलीफाई करना, मतलब उसको बड़ा करना, उसको मेजर करने के लिए उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो एम्पलीफायर में उस इकोस को एम्पलीफाइज किया जाता है। एम्पलीफाइज करने के बाद में वो इकोस जाते हैं अपने रिकॉर्डर में। रिकॉर्डर में क्या होता है, रिकॉर्डर में वो इकोस का मेजर किया जाता है। जो भी इकोस रिसीव हुए हैं वो इकोस के बेस के ऊपर आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कहाँ से, ट्रांसड्यूसर से लेके सीबेड तक, ठीक है, ट्रांसड्यूसर से लेके सीबेड तक इकोस का जो डिस्टेंस था, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, वो मेजर किया जाता है रिकॉर्डर में। अभी आपको क्वेश्चन ये आएगा कि वेव्स है, वेव्स ने तो डिस्टेंस दो बार ट्रैवल किया, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ पर एक बार गए और यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गए, तो एक्चुअल जो सीबेड है, सपोज करो हमारा सीबेड 2 मीटर का था, ठीक है, 2 मीटर का सीबेड था, लेकिन जो इकोस थे, इकोस ने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो वो 4 मीटर को हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस मिलेगा। अगर सपोज करो ये 6 मीटर, अगर ये इकोस ने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया मतलब एक्चुअल में सीबेड कितना था, 3 मीटर, बराबर, 3 मीटर एक बार गया, 3 मीटर दूसरे बार आया, तो टोटल 6 मीटर, टोटल 6 मीटर। तो क्या होता है, इको साउंडर का प्रिंसिपल में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि डेप्थ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एकोस्टिक वेव्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइड बाय 2, बराबर, डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम, बराबर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी किसका, एकोस्टिक वेव्स का, वेलोसिटी ऑफ एकोस्टिक वेव्स, टाइम कौन सा, जो टाइम उन्हें ट्रैवल करने के लिए लगा था, एक्चुअल टाइम, मतलब इस टाइम पे निकला था, इस टाइम पे रिसीव हुआ, जो बीच का टाइम है, जो टाइम उन्हें लगा था वो ये टाइम है, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो आपको डेप्थ मिल जाएगा। अभी जो डेप्थ मेजर करते हैं रिकॉर्डर में वो कहता है रेंजिंग, एक होता है फेसिंग। रेंजिंग में एक्चुअल में इक्विपमेंट कैसा काम करता है और फेसिंग में इक्विपमेंट एक्चुअली कैसा काम करता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक होता है रेंजिंग, एक होता है फेसिंग, ठीक है। तो वो रिकॉर्डर में आ गया। अभी मैं हम लोग एक्चुअली प्रिंसिपल की बात करेंगे और वर्किंग एक्चुअल में काम कैसे करता है इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। रिकॉर्डर में आपको मालूम हो गया, आपको डेप्थ मिल गया, रिकॉर्डर ने स्टाइलस को सिग्नल दिया, स्टाइलस ने वो रिकॉर्ड
कर दिया मेजर, आपका डिस्टेंस मेजर करके आपके डिस्प्ले पे दिखा दिया। ओके, तो रिकॉर्डर का काम हो गया। रिकॉर्डर इन एडिशनली क्या करता है कि आपको कितने सिग्नल भेजने चाहिए, एक्चुअल में आपको कितने सिग्नल्स भेजने चाहिए ये भी डिसाइड करता है रिकॉर्डर। ठीक है, कंट्रोल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन जो एकॉस्टिक वेव्स आपके जाते हैं वो कितने जाने चाहिए ये भी रिकॉर्डर ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है, और डिसाइड करने के बाद वो सेम सिग्नल ऑसिलेटर को भेजता है। ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेट एट अ रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी, मतलब कौन से फ्रिक्वेंसी में एकॉस्टिक वेव्स भेजने चाहिए, कौन से फ्रिक्वेंसी में एकॉस्टिक सिग्नल्स भेजने चाहिए, क्योंकि अगर आपका फ्रिक्वेंसी गलत हुआ तो आपका जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो गलत हो सकता है। तो इसके लिए आपका जो ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी होना चाहिए वो विद इन द ऑडिबल रेंज, विद इन द ऑडियो रेंज। ऑडियो रेंज के अगर ऊपर रहा या उससे नीचे रहा, नीचे रहा तो आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, अगर उससे ऊपर रहा तो वाइब्रेशंस, आपका शिप के वाइब्रेशंस, एयर बबल्स, वो सारे चीज़ों का इफेक्ट होता है और आपको रॉन्ग मेजर्स डिस्टेंस मिलेगा। तो इसके लिए ऑसिलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑसिलेटर क्या करता है, आपको कौन से फ्रिक्वेंसी में एकॉस्टिक वेव्स भेजने चाहिए ये डिसाइड करता है ऑसिलेटर। ठीक है, फिर ऑसिलेटर ने डिसाइड किया कि ये फ्रिक्वेंसी में जो एकॉस्टिक वेव्स भेजने चाहिए तो डिसाइड करके वो सिग्नल देगा ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर को। ठीक है, ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर दो टाइप के होते हैं, वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, आगे अगर हम लोग करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ट्रांसड्यूसर का क्या काम है, ट्रांसड्यूसर दो काम करता है मेन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांसड्यूसर के ऊपर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, ट्रांसड्यूसर सिग्नल्स भेजता भी है और सिग्नल रिसीव भी करता है। ठीक है, सेम इक्विपमेंट, सेम जो ट्रांसड्यूसर है, सेम ट्रांसड्यूसर आपको सिग्नल भेजने के लिए भी काम आएगा और रिसीव भी सेम इक्विपमेंट, सेम कंपोनेंट से आपके सिग्नल्स भी रिसीव होने वाले हैं। तो जब उसे रिसीव करना होगा, जब उसे रिसीव करने हैं तो रिसीव करने के टाइम पे उसके ट्रांसमिशंस सिग्नल्स बंद होने चाहिए। अगर ट्रांसमिटर रहा है तो रिसीवर बंद रहेगा, अगर रिसीव कर रहा है तो ट्रांसमीटर बंद रहेगा। इसके लिए उसके जो PRF रहते हैं, PRF क्या होता है, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि आपके एक सेकंड में कितने पल्सेस जाने चाहिए। अगर आप हायर रखेंगे, अगर आप पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी अगर हायर रखेंगे तो आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कवर नहीं हो पाएगा। इसके लिए लोअर रेंज के लिए जब आपका सीबेड कम रहेगा तो आपको हायर PRF यूज करने हैं। ये एक्चुअली PRF का जो डिसीजन होता है कि कितना PRF होना चाहिए, कितने पल्सेस एक सेकेंड में ट्रांसमिट होने चाहिए, ये ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है। बस आपके नॉलेज के लिए लोअर रेंज हायर PRF, ठीक है, हायर रेंज लोअर PRF। ठीक है, ये आप बस ध्यान में रखना, आपको इसको बाय हेड करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है कि PRF कितना होना चाहिए। ओके, और ये क्या है, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी विद इन द ऑडिबल रेंज। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया और इसको ज़्यादा इलेबरेट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि इसका बड़ा लेक्चर है। ओके, तो चार कंपोनेंट्स आपके क्लियर हो गए। एक हो गया रिकॉर्डर, रिकॉर्डर क्या करता है, आपकी जो इकोज आए हैं उसको रिकॉर्ड करता है इक्विपमेंट पे स्टाइलस के थ्रू। ठीक है, स्टाइलस मतलब एक पेन जैसा होता है, वो पेन आपके पेपर के ऊपर घूमता रहेगा और वहाँ पर आपके डेप्थ मेजर की जाएगी। ये होता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर और क्या करता है, रिकॉर्डर ऑसिलेटर को वो सिग्नल भेजता है कि आपको कितना कौन से सिग्नल और कौन से सिग्नल भेजने चाहिए और कितने फ्रिक्वेंसी में भेजने चाहिए। ऑसिलेटर डिसाइड करता, रिकॉर्डर डिसाइड करता है कि आपको ऑसिलेटर को कितने फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स भेजने चाहिए। ठीक है, ऑसिलेटर में करता है ऑसिलेट कौन से फ्रीक्वेंसी में सिग्नल जाएंगे, कौन से फ्रीक्वेंसी में सिग्नल जाएंगे वो ऑसिलेटर डिसाइड करेगा। ठीक है, और ट्रांसमिशन और रिसीवर ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, एकॉस्टिक वेव्स निकलते हैं और एकॉस्टिक वेव्स रिसीव किए जाते हैं। एकॉस्टिक वेव निकले, सीबेड को टच किया, वहां से फिर इकोज आएंगे। ठीक है, जो सिग्नल भेजा उसका इकोज आता है, सेम सिग्नल आएंगे लेकिन उसको इकोज बोलेंगे। तो ट्रांसमिशन और रिसीवर रिसेप्शन के टाइम पे एक ही चीज चालू रहेगा, अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट बंद होने के बाद ही रिसेप्शन चालू हो जाएगा। तो एकॉस्टिक वेव्स गए और इकोज वापस आ गए।
इकोस वापस आने के बाद में जो वीक सिग्नल रहेंगे उसको एम्पलीफाई करने का काम एम्पलीफायर करेगा। तो इको साउंडर में ये चार मेन कंपोनेंट्स है, ये प्रिंसिपल है इको साउंडर का। और आपको इसके एडिशनल में आपको ये जो फॉर्मूला है डेप्थ इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टू। डिस्टेंस डिवाइड बाय टू क्यों आया मैंने आपको बताया, ये रीजन है डिस्टेंस डिवाइड बाय टू। डिस्टेंस का फॉर्मूला है वेलोसिटी इंटू टाइम, ओके, और डिवाइड बाय टू सेम आ गया। तो डेप्थ का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ एकोस्टिक वेव्स इंटू टाइम डिवाइड बाय टू। जो एकोस्टिक वेव्स जाते हैं उनका जो स्पीड है वो स्पीड कितना होता है 1500 मीटर पर सेकंड, मतलब 1500 मीटर उसने एक सेकंड में डिस्टेंस कवर करना चाहिए, ठीक है, ये उसका स्पीड है। और इको साउंडर में मिनिमम डिस्टेंस 1.5 मीटर ही कवर 1.5 मीटर ही वो मेजर कर सकता है। उससे अगर कम आपका अगर डेप्थ है तो इको साउंडर मेजर नहीं कर सकता है। तो ये इको साउंडर के बारे में, इसके बाद में हम लोग इसको ज़्यादा मतलब जो रिकॉर्डर के बाद में जो प्रोसेस रहेगा कि रेंजिंग क्या होता है, फेसिंग क्या होता है, इको साउंडर एक्चुअल में कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।